पावर सेट, द पावर सेट ऑफ ए सेट एस, मान लो यहाँ पे हमने सेट को एस नाम दे दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं, ए बी कुछ भी आपकी इच्छा, एक्स दे सकते हैं, हमने एस दिया है। एस इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द सेट एस इंक्लूडिंग इटसेल्फ एंड द नल सेट। इस पे आपको ध्यान देना है, आपको पावर सेट में आपको वह सेट होगा जिसमें एस के सारे सेट तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपका नल सेट भी कंपलसरी रहेगा। इसको हम डिनोटेड करते हैं पी एस से, ठीक है। जब इफ द गिवन सेट, यदि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन होंगे, तो हम पावर सेट को टू द पावर एन के थ्रू उन एलिमेंट्स को निकालेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास कोई सेट है, उसमें आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, तो हमको फाइंड आउट करना है क्या, पावर ऑफ सेट फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आपके पास हैं, वन एंड टू, टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। फॉर्मूले के अनुसार हमारे पास कितने सेट बनने चाहिए, टू द पावर एन, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, टू। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आपके पास, वन टू टू, इसका मतलब क्या हुआ, टू को मल्टीपल टू टाइम्स, टू जा फोर, यानी आपके पावर सेट में आपके जितने सेट बनेंगे फोर सेट बनने चाहिए। कैसे बनेंगे आइए देखते हैं। पहला आपका क्या होगा, नल सेट कंपलसरी है। दूसरे आपके सेट में वो बनेंगे जो इट सेल्फ होंगे, खुद ब खुद होंगे पहले से मौजूद, एक टू है और एक थ्री। फोर्थ वन आपका इन दोनों सेट्स को मिलाकर बनाया जाएगा, टू कॉमा थ्री, तो वन टू थ्री फोर, ये फोर सेट बन गए। आपको फोर चाहिए थे, फोर सेट आ गए। एक एग्जांपल और देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास टू थ्री और फोर, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वन टू थ्री, थ्री। फॉर्मूले में रखेंगे इसको हम लोग, तब क्या हो जाएगा, टू दी पावर थ्री, इसका मतलब क्या हुआ, टू को मल्टीपल करना है थ्री टाइम्स, टू इंटू टू इंटू टू, ओके, टू को मल्टीपल करना है थ्री टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा, एट। ये गलती मत करना, टू दी पावर थ्री लिखा है तो आप लोग टू मल्टीप्लाई बाई थ्री कर दो, टू थ्री या सिक्स, ये रॉन्गफुल है। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको इतने टाइम्स में टू का मल्टीपल करना है, थ्री है तो थ्री टाइम टू टू टू, यानी कि कितना आएगा, एट। आपके पावर सेट बनेंगे एट, एट बनेंगे। आइए बनाते हैं एट, कैसे बनेंगे पावर ऑफ सेट। एक तो नल एलिमेंट, अगेन आपका टू थ्री फोर, उसके बाद में टू और थ्री का कॉम्बिनेशन, टू और थ्री का कॉम्बिनेशन, उसके बाद में टू और फोर का कॉम्बिनेशन, टू और फोर का कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट थ्री और फोर का कॉम्बिनेशन, थ्री और फोर का कॉम्बिनेशन, लास्ट में टू थ्री फोर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, टू थ्री फोर। मतलब पावर ऑफ सेट बनाने के लिए आपको जितने कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे वो सारे बनाने पड़ते हैं। पहले नल आएगा, उसके बाद में जो आपके सेट में एलिमेंट्स हैं वो खुद आएंगे, उसके बाद में आपस में कॉम्बिनेशन बनेगा, पहले टू टू का कॉम्बिनेशन बनेगा, उसके बाद में तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं ये लोग, आप लोग घर पे इनको लगाइएगा, फिर अगली क्लास में इनको हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपके पास पहला सेट है, आपके पास टू और फोर, और एक दे दिया हमने टू थ्री फोर, टू थ्री फाइव, थर्ड वन दे दिया आपने, मान लो वन टू फोर और सिक्स, इनको लगाइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं इसके आंसर्स। बाय।